हेलो दोस्तों, एमडी के स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे एनटीपीसी, एसएससी एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कंपाउंड इंटरेस्ट से एक या दो क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या है कि सबसे पहले हम लोग बेसिक समझेंगे, ठीक है, और एक बार बेसिक समझ लेंगे उसके बाद हम लोग सभी क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पार्ट वन वीडियो है मेरा, ठीक है, 10 पार्ट में बनाऊंगा वीडियो। तो उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मेरा पार्ट वन वीडियो है, तो स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। नॉर्मली कंपाउंड इंटरेस्ट में 4-5 टाइप का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, जैसे मैं पूछेगा सी आई बराबर क्या होगा, एस आई बराबर क्या होगा, पी बराबर क्या होगा, टी बराबर क्या होगा, सी आई और एस आई का डिफरेंट क्या होगा, उसके बाद आर बराबर क्या होगा, सब इसी टाइप के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट वन, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज में सबसे पहले जानेंगे चक्रवृद्धि ब्याज है क्या। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या अंतर है? साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का फर्स्ट ईयर का जो प्रथम साल का जो इंटरेस्ट होता है वो सेम होता है, लेकिन सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट होता है साधारण ब्याज का कुछ अलग होगा इंटरेस्ट, और चक्रवृद्धि ब्याज का अलग होता है। कैसे, बोर्ड पर देखिए, मान लीजिए 50,000 हो गया, 50,000 रुपया, इसमें टाइम कितना दिया है, पी बराबर 50,000 हो गया, टाइम बराबर कितना हो गया, 2 वर्ष, आर बराबर कितना, 8%। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आरआरबी मुजफ्फरपुर में, क्वेश्चन है तो इस टाइप के क्वेश्चन आएगा और बोलेगा सीआई निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक तरीका से देखते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ठीक से देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेसिक तरीका से। ठीक है, तो बेसिक तरीका से क्या है, फॉर्मूला लिखते हैं ना, सीआई बराबर क्या फॉर्मूला होता है, पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100 इंटू एन होता है ना, सीआई का ही फॉर्मूला होता है ना। तो इसको हल करेंगे तो कितना होगा, 50,000 1 प्लस आर कितना, 8% है, समय कितना है, 2 वर्ष है, माइनस पी, तो 50,000 1 से 8 बटा 100 गुने 1 से 8 बटा 100 माइनस 5,000, सॉरी 50,000, इसको कटाएंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसको गुना करेंगे तो 11,664 होगा ना, माइनस 5,000 होगा, सॉरी 50,000। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 58,320 माइनस 50,000। तो इसको करेंगे माइनस करेंगे तो 8,320 रुपया, ये क्या आ गया, सीआई आ गया 8,320 रुपए। लेकिन बेसिक कंसेप्ट है, इस टाइप से परीक्षा में नहीं बनाते। ठीक है, इस टाइप से बनाएंगे बहुत ज्यादा समय लगेगा, गुना भाग करने में टाइम निकल जाएगा, हम लोग को कम टाइम में बनाने है ना। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सीआई क्या होता है। देखिए, सीआई यही होता है ना, सीआई होता है इसका जो मूलधन दिया है, प्रिंसिपल दिया है कितना, 50,000 रुपया, समय दिया है वो 2 वर्ष, रेट दिया है 8%। तो सीआई हम लोग का इतना निकल गया, साधारण इसको सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज इतना 8,320 रुपए निकल गया। अगर इसी को हम लोग क्या करते हैं, एसआई निकालते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, इसको एसआई निकालने के लिए तो पी आर टी बटा सब होता है ना, सब बेसिक से बता रहा हूं, 50,000 गुने आर कितना है, 8,
समय कितना है? 2/100। तो इसको गुना करेंगे तो 8000 आ गया। 8000 एस आई कितना आ गया? 8000। सी आई कितना आया था? 8320 रुपया। ठीक है, तो 320 रुपया ज्यादा आ गया ना। तो हम लोग का इंटरेस्ट जो होता है ना, जो सी आई और एस आई का फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट सेम होता है। देखिए सी आई और एस आई में क्या डिफरेंस होता है वो बता रहा हूँ। देखो 50,000 का 8% कितना होगा? 4000 रुपया होगा। सी आई निकाल रहे, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर का 4000 रुपया, लेकिन जैसे ही सेकेंड ईयर का निकालेंगे तो 4000 मूलधन 50,000 54,000 जुट जाएगा। सॉरी 54,000। तो 54,000 का 8% निकालेंगे, तो 54,000 का 8% निकालेंगे तो कितना होगा? 54,000 का 8% यहां पर लिख देते हैं, 50,000 का 8% बराबर 4000। ठीक है, अब 54,000 का 8% कितना हुआ? 4320 रुपया। ठीक है, तो दोनों का ऐड करेंगे ना, तो दोनों का ऐड करेंगे तो 8320 रुपया है। ये क्या हुआ? सी आई आ गया ना 8320 रुपया। तो सी आई 8320 रुपया आ गया। तो एस आई में क्या होता है कि जो 4000 होता है फर्स्ट ईयर के लिए 4000, फिर हम लोग क्या करेंगे 50,000 का फिर 8% निकालेंगे, यानी 2 साल के लिए 8000 होगा। और एस आई में ये होता है कि जो ब्याज आता है ब्याज जुट जाता है। मान लीजिए ब्याज 4000 है ना फर्स्ट ईयर का, तो फर्स्ट ईयर का जो प्रिंसिपल होता है 50,000 जुट जाएगा, उसका इंटरेस्ट निकलेगा ना, उसका इंटरेस्ट निकाला यहाँ पे, उसके बाद दोनों ऐड किया तब ये आए, तब ये 8320 रुपया है। अगर इसको क्या करते हैं, एस आई निकालते हैं, साधारण ब्याज निकालते हैं, तो 50,000 का 8% 4000 हो जाता है पहला साल के लिए। फिर दूसरे साल के लिए क्या होगा? 50,000 का 8% 4000 होगा, ऐड करते हैं तो 8000। तो सी आई के केस में हम लोग क्या हुआ कि 8320 रुपया मिला, और एस आई के केस में कितना मिला? 8000 मिला। तो सी आई और एस आई में अंतर समझ गए ना। कहने का मतलब है कि जो सी आई और एस आई का प्रथम साल का जो इंटरेस्ट होता है वो सेम होता है, लेकिन जैसे दूसरे साल में जाते हैं सी आई के केस में होता है कि जो प्रिंसिपल होता है और सी आई के जो इंटरेस्ट आता है वो सब जुट जाता है, उसके बाद उसका इंटरेस्ट निकाला जाता है, मतलब ब्याज निकाला जाता है, वो सी आई होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सी आई और ऐसा ही समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, आर बराबर 10% दिया है, पी बराबर कितना दिया है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, मोहन ने 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए 80,000 रुपया का एक ऋण लिया, वो कितने ब्याज भुगतान करेगा? यानी ब्याज बोल रहा है, नहीं कह पाऊं इंटरेस्ट सी आई बोल रहा है। तो इसमें आर कितना दिया है? आर दिया 10%। प्रिंसिपल कितना दिया? 80,000 दिया ना। और टी कितना दिया? 2 वर्ष दिया है। ठीक है, तो इसको हम लोग बेसिक मेथड सब नहीं बनाएंगे, इसको ट्रिक से बनाएंगे ना, ट्रिक से बनाएंगे। ठीक है, बेसिक मेथड से नहीं बनाते हैं, बेसिक मेथड से तो बता दिया ना, अब इसको ट्रिक से बनाते हैं। तो 80,000 है ना, तो 80,000 का 10% कितना हुआ? 80,000 का 10% 80,000 का 10% कितना हुआ? 8000 होगा ना। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, फिर 8000 का 10% निकालेंगे। आठ सौ होगा,
इसको क्या करेंगे, और दो साल का निकालना हो हम लोग का सीआई, तो एक फॉर्मूला होता है दो साल के निकालने के लिए, 2:1 होता है, 2 वर्ष के लिए, 2 ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए क्या होगा, इसको इसको जोड़ेंगे तो 3 ईयर के पहले 3 लिखेंगे, उसके बाद इसको इसको जोड़ेंगे तो 3 होगा, 3:3 में 4, तो 2:1 दो वर्ष के लिए 2:1 है ना, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे, इसमें 1 से गुना कर देंगे, 2 से गुना करेंगे तो कितना हो गया, 16,000 हुआ ना, ऐसे 1 से करेंगे तो 800 हुआ, यानी 16,800 सीआई कितना आ गया, 16,800 आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर परीक्षा में दे देगा सीआई और एसआई में डिफरेंट क्या होगा, ऐसा भी क्वेश्चन दे देगा ना, तो फिर इसका एसआई निकालेंगे, फिर दोनों का सीआई और एसआई का माइनस करेंगे तब आएगा ना, तो बहुत ज्यादा समय लगता है, देखते हैं फिर एसआई निकाल के, एसआई निकालेंगे तो कितना होगा, पी गुने आर गुने टी बटा 100 होता है ना, 80,000 गुने आर कितना है, 10%, 10 गुने 2 बटा 100 होगा ना, इसको कटा दिए तो कितना हो गया, 16,000 हो गया। तो सीआई और एसआई के डिफरेंट कितना है, सीआई आएगा 16,800 और 1600 होगा, 16,000 हुआ, तो डिफरेंट कितना होगा, डिफरेंट तो 800 होगा ना, अगर परीक्षा में दे देगा आर बराबर 10%, पी बराबर इतना, टी बराबर इतना, तो अमाउंट दे देगा, अमाउंट मतलब मिश्र धन दे देगा, तो मिश्र धन फिर कैसे निकालेंगे, फिर मिश्र धन निकालने के लिए ट्रिक लगाएंगे, पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100 इंटू एन, ये ट्रिक है ना मिश्र धन का, अमाउंट का, तो फिर इसको हल करेंगे तो मूलधन कितना, 80,000, फिर 80,000 लिखेंगे, 1 प्लस 10% है ना, रेट 10 बटा 100, समय कितना है, समय 2 वर्ष है तो 2 वर्ष लिख दिया, तो इसको हल करेंगे, 80,000 गुने 110 बटा 100 गुने 110 बटा 100 करेंगे, फिर 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, फिर 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो इसको गुना करेंगे, 8 गुने 11 1 121 2 0, तो गुना करेंगे 8 8 2 16 8 1 9, तो मिश्र धन कितना हो गया, मिश्र धन हो गया इतना रुपया हो गया मिश्र धन, तो मिश्र धन में सब पूछेगा तो काफी समय लगेगा, फिर मान लीजिए परीक्षा में देगा अमाउंट निकालेंगे, फिर उसका अलग ट्रिक लगाएंगे, फिर सीआई देगा तो उसका अलग फॉर्मूला लगाएंगे, और एसआई कहेगा तो उसका अलग फॉर्मूला लगाएंगे, और डिफरेंट कहेगा तो उसका अलग लगाएंगे, फिर सब घटाएंगे, बहुत ज्यादा समय लगता है, एक ट्रिक होता है जो एक ही मतलब ट्रिक में सभी आंसर आ जाएगा, सभी आंसर आ जाएगा, वही आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए यही क्वेश्चन है, इसको दूसरा ट्रिक से बनाएंगे जो एक ही ट्रिक में सभी आंसर आ जाएगा, जैसे मैं पहले आप लोगों को बता देते हैं ट्रिक कैसे बनता है, ट्रिक के बारे में बता, इसको गोला ट्रिक से बनाएंगे, गोला ले लेंगे, बस चारों गोला याद करना है, कुछ करना है नहीं, पी लिख दिया, ए लिख दिया, ए लिख दिया और बी, ठीक है। तो मान लीजिए कि हम लोग का सीआई निकालना होगा, तो सीआई बराबर फॉर्मूला 2a+b, एसआई निकालना होगा तो एसआई निकालने के लिए 2a होगा, डिफरेंट कहेगा डिफरेंट के लिए b होगा, और अमाउंट के लिए अमाउंट कहेगा, अमाउंट के लिए सबको ऐड करेंगे ना, p+2a+b, ठीक है। चलो आप लोगों को सभी समझ में आ जाएगा, अब मान लीजिए फिर गोला बना रहे हैं,
अब हम लोग का प्रिंसिपल कितना है 8,000 है ना, सॉरी 80,000। अब इस मतलब इस टाइप का क्वेश्चन बने, सबसे पहले हम लोग रेट पर ध्यान देते हैं, तो रेट कितना है सॉरी क्वेश्चन लिख देते हैं, पी बराबर 80,000, आर बराबर 10%, टी बराबर 2 वर्ष, ठीक है। तो हम लोग आर 10% है, तो इसको फ्रिक्शन में चेंज करेंगे तो कितना 1/10 होगा ना, 1/10 हो गया, इसको फ्रिक्शन में चेंज करेंगे तो 80,000 का 1/10 यहाँ लिख देंगे, फिर इसका 1/10 लिखेंगे, ठीक है। तो 80,000 का 1/10 कितना हुआ, 8,000 हो गए ना, तो फिर यहाँ पर ए दिया है ना, तो यहाँ पर 8,000, तो यहाँ पर भी 8,000 होगा, ठीक है। फिर 8,000 के कितना 1/10, 800 होगा ना, बन गया सब क्वेश्चन बन गया। अब देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है तो अगर इसमें क्या बोलेगा, सीआई बोलेगा निकालने के लिए, तो सीआई निकालने के लिए 2a+b यानी कि इसको जोड़ेंगे, सीआई बराबर क्या होगा, 8,000 16,000, 2a हो गया, बी कितना हो गया 800 यानी 16,800 गया ना। हम लोग को एसआई निकालना होता है, एसआई निकालने के लिए क्या करेंगे, एसआई के लिए 2a दिया है तो 8,000 2a यानी a 2a तो 8,000 16,000 हो गया ना। अब हम लोग को डिफरेंट दिया है तो डिफरेंट सीआई और एसआई का डिफरेंट 800, डिफरेंट कितना हो गया, डिफरेंट बराबर कितना हो गया 800 हुआ ना, डिफरेंट बराबर 800 रुपया हो गया। अब क्या बोल रहा है, अमाउंट बोल रहा है, तो अमाउंट बोल रहा है तो सब कुछ जोड़ेंगे ना, तो अमाउंट बराबर क्या होगा, अमाउंट बराबर 80,000 और सब कुछ जोड़ देंगे ना, तो 80,000 फिर 8,000 फिर 800, तो 80,000, तो इसको जोड़ देते हैं तो 80,000 और 8,000 16,000 हुआ, तो 96,000 हुआ, 96,800 रुपया हुआ, तो ठीक है ना, एक ट्रिक से सभी क्वेश्चन बन जा रहे हैं, ठीक है।